और आज जो पॉजिटिव एनर्जी और जो उत्साह देखा जा रहा है उसके लिए आपको सादर धन्यवाद है कि इस तरह का माहौल हमारी यूथ है जो प्रेजेंट कर रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसके बाद जो खेल भावना है, हमारे युवा हैं सामने बैठे हैं, तो एक टीम हारती है एक टीम जीतती है, बहुत शानदार आपका प्रोग्राम रहा है, लेकिन खेल भावना नहीं हारनी चाहिए, हमने प्रयास करे और कौन जीता वो बहुत खुशी की बात है कि हम जीतते हैं लेकिन हम सीखते हैं। आपको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। इसके साथ ही हमारे जो खेल की जो प्रतिभाएं हैं वो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो अगर आपको तराशने का मौका मिलता है तो हमारे जो इन समाज के लोगों ने, आप लोगों ने जो मौका दिया है उसके लिए आपका सादर धन्यवाद कि इनको मौका मिला है आज यहाँ पे बैठने के लिए, अपना ये जो प्रतिभा दिखाने के लिए, क्योंकि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि प्रतिभा और पानी अपना रास्ता बना लेती है, पानी कभी भी रुकता है क्या, जहाँ भी दरार दिखती है आगे बढ़ जाता है। तो कृपया अपनी प्रतिभा को बनाए रखिए, कभी भी डरे नहीं, आपको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं और इस तरह की सकारात्मक खबरें आती रहे, क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं कितनी नकारात्मक वाइब्स चल रही है, न्यूज पेपर उठाने का मन हमारा नहीं कर रहा। तो आप लोग जो कर रहे हैं अपने जीवन में इसको लागू करें और खेल से जो हम सीखते हैं, एकाग्रता जो सीखते हैं, स्ट्रेस भरी लाइफ से हम अलग जाने का जो सीखते हैं, तो इसको आप आगे बढ़ाए रखें। थैंक यू सो मच। और ये जो आयोजन है, इस तरह के आयोजन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आज के टाइम में जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो स्मार्टफोन में जुटी रहती है, तो हमारे जो संस्कार हैं वो चलते रहे, तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करें और बच्चे इस तरह से आगे बढ़े। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।